सबसे बड़े हमारे भोजपुरी के रफी हैं ये, और हमारे भोजपुरी के ऐसे शान हैं जिनको देखकर हर आदमी कुछ करना चाहता है। और बॉडी में सलमान खान, दूसरी चीज की बड़ों को और छोटों को जो प्यार मिलना चाहिए इनके द्वारा, वो हर गुण इनके अंदर है। अपने से बड़ों को सम्मान देना, अपने से छोटों को प्यार देना, तो ये बहुत बड़ी इनके अंदर गुण है। जो भी हो, दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती, ये हमने जो फेस किया इनके सामने, जब भी सफर किया या कभी भी हम इनसे मिले तो हमें महसूस नहीं हुआ कि हम अपने बड़े भाई से नहीं मिल रहे। तो ये हमारे लिए प्लस है कि हमारे भोजपुरी को ऐसे एक रत्न है जिस रत्न को पाने के लिए हर आदमी तरसता है, और हमारा ये सौभाग्य है जो हम इनके छोटे भाई हैं। तो ये अच्छी बात है, ये सच बोल रहे गाइस। अभी आप भी बोलो, सच बोलो केसरी जी के बारे में। रुक पहले दूध। साउथ इंडियन हो? हाँ, ओके। आई कैरी इट विथ मी। मेरा छोटा भाई जो सम्मान दिया, यस, उसके लिए दिल से थैंक यू। और इतनी बड़ी बड़ी बात हमारे लिए जो बोला मेरा भाई, इसलिए बोला कि वो खुद बहुत ही अच्छा है, जरूरत से ज्यादा ही अच्छा है। लव यू मेरा भाई। लव यू टू। मैं आई लव यू ऑल नहीं बोल सकती, बट दीज टू आर अमेजिंग। एंड दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कैसी है दीपक जी? सबसे बड़ी सच्चाई है, बहुत ब्राइट लाइफ है इनका। मैंने बहुत नहीं है ब्लेसिंग, क्या मैं क्या कौन हो सकता हूँ? मैं तो ड्राइंग मशीन लेके आओ, ड्राइंग मशीन। छोटा मोटा कलाकार हूँ। थैंक यू सर। बट इनकी ये इतनी मेहनती, मैंने अपने करियर में बहुत कम लोगों को देखा। थैंक यू। और ये बहुत मेहनती हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं। मैंने इनको किसी मैंने किसी को इनसे प्यार हो जाएगा। थैंक यू सर। मुझे हो गया यार। थैंक यू। अभी जा रही हैं तो अब मुझे सपने में तो आएंगी। थैंक यू।